हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अज्ञात वाहन ने दो गोवंश को कुचला, एक की हालत गंभीर। फोर लाइन हाईवे सारनेश्वर महादेव के पास सड़क दुर्घटना में दो गोवंश गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों द्वारा सूचना मिलने पर ओम श्री गजानन सेवा समिति कार्यकर्ता गोभक्त मौके पर पहुंचे और घायलों को साइड में किया। अध्यक्ष मंगल कुमार मीणा ने बताया कि पशु एम्बुलेंस के अभाव में एक घंटे की देरी के बाद पीएफए के छोटे वाहन से घायल को स्थानीय पीएफए गौशाला पहुंचाया गया। हर रोज दुर्घटना में घायल होने वाले पशुओं को समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण काल का ग्रास बन रहे हैं। इधर वन विभाग के पास भी कोई सुविधा नहीं मिलने के कारण जब भी वन्य जीव दुर्घटना में घायल होता है तो उसको भी निजी वाहन से इलाज के लिए भेजा जाता है, लेकिन स्थानीय प्रशासन इस मामले में मौन है। टोल प्रशासन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार के पास मंत्रालय बने हुए हैं पर सिर्फ नाम के। गोपालन विभाग, पशुपालन विभाग, इनके मंत्री, पशुपालन बोर्ड अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सिर्फ नाम के ही रहे हैं। इनके पीछे लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद भी घायल बेजबान पशुओं को गौशाला पहुंचाने हेतु एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। ऐसे में गोभक्तों में भारी रोष है। इस दौरान पीएफए सचिव अमित सिंह देवल, हार्दिक कुमार रावल, मिथुन कुमार मीणा, नंदुलाल मीणा समेत अन्य गोभक्त टोल कर्मी भक्तों ने सेवा दी। जागरूक टीवी के लिए पोसालिया से कल्पना माली की रिपोर्ट।